বাপরে हम लोगों के इधर स्टैंड बाय पास रोड में बहुत गड्ढे हैं भाई बहुत ये जो स्टैंड बाय पास रोड है वो बहुत ही खराब हो चुका है अब इतना खराब कि पूछो ही मत फोर लेन कब से बनाने की प्लानिंग चल रही है अभी तक काम ही चल रहा है लेकिन काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है अभी से ठीक से उतना शुरू भी नहीं किया है ये देखो सामने इतना सारा गड्ढा सो अभी टाइम हुआ है 4:30 और मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सेबोक रोड यानी विशाल सिनेमा हॉल के पीछे जो आई हॉस्पिटल है उसके सामने जा रहा हूँ वहाँ पे मेरा एक दोस्त है उसको लेना है और थोड़ा राइड भी हो जाएगा आज राइडर्स कई लॉन्ग होके आ रहे हैं शायद तो संडे को राइड किया था संडे को दार्जिलिंग होके आया तो आज लगा कि थोड़ा चलो निकलते हैं घर से बाहर थोड़ा राइड करने के लिए शाम को ही टाइम मिला इसलिए निकल पड़े जल्दी जल्दी आज धूप भी बहुत खिला है क्योंकि दोपहर से मतलब सुबह से बारिश हो रहा था हमारे इधर 1 बजे शांत हुआ बारिश तब से धूप अच्छा खिला है एकदम और ये गड्ढे माय गॉड अभी मैं लूंगा लेफ्ट यहाँ से सेबोक रोड एकदम सीधा सो खास करके मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये जो मैंने मतलब मेरा नया माइक सेटअप लगाया है अब तक जो मैं व्लॉग कर रहा था मतलब सामने GoPro लगाया हुआ है लेकिन ऐसे कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि माइक नहीं था अच्छा तो अब मैंने माइक खरीदा तो उसी के लिए ऑडियो टेस्ट के लिए अब मैं आज खास करके ये व्लॉग कर रहा हूँ मुझे अब पता नहीं कि कैसा साउंड आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा लेकिन शायद अच्छा ही आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सुना था टेस्ट करके मतलब चलते चलते ऐसे नहीं टेस्ट किया उतना अभी आज फर्स्ट निकल रहे हैं ऐसे माइक एडाप्टर तो है GoPro का उसके साथ बोया का माइक है बोया लिवियर माइक अगर किसी को परचेस करना हो तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम वहाँ से अमेजोन से खरीद लेना वैसे माइक तो बहुत ही अच्छा है मतलब सभी डिवाइसेस के लिए वो चाहे कोई कंप्यूटर हो लैपटॉप हो या मोबाइल हो या DSLR हो कुछ भी सो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन रोड यानी इस्कॉन मंदिर के सामने यहाँ पे जब छोटा था मैं तब आता था माँ के साथ जब जिस दिन रथ होता था उस दिन ही आता था सामने से धूप आ रहा है ना अभी एकदम इवनिंग हो गया है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से मतलब दिखाई तो दे रहा है लेकिन धूप आ रहा है ना आँख में साला रुकता नहीं है सिटी में ना राइड करना एकदम अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये जो ट्रैफिक रहता है जाम रहता है बार बार क्लच पकड़ो ब्रेक दबाओ गियर अप डाउन करो ये तो करना ही पड़ेगा
लॉन्ग में अच्छा लगता है, एकदम आराम से लॉन्ग में चलते रहो, अच्छा लगता है। सिटी में आपको बाइक का, हमारे बाइक का जो माइलेज भी कम देता है। मेरा तो अभी दो सर्विसिंग हो गया है, मतलब एक सर्विसिंग के बाद ही मैंने जो माइलेज टेस्ट किया था उसका वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि रिकॉर्ड तो किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो क्लिप था वीडियो का, जो भी रिकॉर्ड किया था, वो सब डिलीट हो गया। मैं आ चुका हूँ विशाल मोड़ के सामने और ये ऐसे लूंगा लेफ्ट। थोड़ा सा बारिश क्या हुआ, पानी जम गया पूरा सिटी में। सो मैं अभी आ गया सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल। यहाँ पे दोस्त को फोन करना है, अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों आया इधर। ये आ गया लौंडा हमारा नील रतन भाई। चलो थोड़ा राइड करके आते हैं। अरे थोड़ा फ्यूल भरवा लेते हैं। थोड़ा सा ही फ्यूल डाला, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है। तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, तू पीछे बैठा रहा है भाई। थोड़ा जाम से मुक्ति चाहिए, सामने तो एकदम एक क्लियर रोड मिलेगा शायद, शायद क्या होगा ही। लेकिन अभी भी शाम है ना, शेबोग रोड बहुत जाम रहता है सुबह के टाइम पे, मतलब ऑफिस के टाइम पे और ये घर जाने के टाइम पे इवनिंग। तो अभी सालोगढ़ा पहुंच चुके हैं, इधर भी जाम है भाई, जाम जाम जाम। सो फाइनली जाम से छूटा, पीछा छूटा। मुझे तो राइड करना बहुत अच्छा लगता है, सबका पता नहीं, मेरे दोस्त लोग भी उतना राइड नहीं करते हैं। सभी के पास बाइक है स्कूटी है लेकिन हर कोई अपने काम में बिजी रहता है, मैं भी काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन भाई जब भी मौका मिलता है बस निकल पड़ता हूँ। आज बारिश हुआ इसलिए अभी ये एकदम शाम के टाइम में इधर ठंडा लग रहा है थोड़ा। सोच रहा हूँ एक लॉन्ग राइड मारने की, मतलब दो तीन दिन का ट्रिप। अप्रैल को जरूर जाना चाहूँगा नॉर्थ सिक्किम, एकदम मतलब जुलूक गैंगटॉक होके जुलूक लाचेन लाचुंग और गोदांगमा लेक, ये सब तो नहीं होगा, कोई दो तीन डेस्टिनेशन देखना होगा। जाने का बहुत मन है उधर,
उधर तो अभी भी बर्फ है शायद, क्योंकि कुछ दोस्त दो दिन मतलब एक हफ्ते पहले अभी वहाँ से आए थे, मतलब लाचेन होके आए थे, तो बर्फ ही बर्फ था उधर, ठंडा भी था बहुत। तो मेरा भी बहुत जाने का मन कर रहा है। भाई रात होने को है, ये शिवो रोड तो इस टाइम पे जाम रहता ही रहता है। चुके सेवक, लगता है भाई ट्रेन आ रहा है यार। पता नहीं बक बक किए जा रहा हूँ कब से, लेकिन रेल रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं वो भी पता नहीं यार, घर पे जाके देखना होगा। फिलहाल तो ट्रेन आ रहा है, यहीं पे रुकना है। रुकेगा ठंडा लगा ना इधर आके? ठंडा तो लग रहा है भाई, क्योंकि आज बारिश हुआ ना सुबह से, हाथ में ठंडा हो गया एकदम। ग्लव्स पहनना भूल गया यार, भूला नहीं, सोचा था लेके आऊं, सोचा नहीं था इतना दूर आऊंगा। आने के टाइम पे भी जाम, जाने के टाइम पे भी जाम। फिर से शायद रेल आया होगा। ओके गाइस, लेट्स बैक टू द कैमरा। सो मैं जो ये माइक की बात कर रहा था इस वीडियो में, ये रहा वो माइक, बोया लिवियर माइक। ये मेरा पड़ा 800 रुपये का। अगर किसी को परचेस करना हो तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग अगर GoPro यूज़ करते हो तो फिर GoPro का माइक एडाप्टर भी चाहिए, जो ये रहा मेरे पास, जो मैं हेलमेट में ऐसे मतलब माउंट किया हूँ, ऐसे मतलब ब्लैक टूप में लगा दिया है। और ये रहा जो माइक, ये बोया का, ये मैंने लगा दिया है ऐसे अटैच करके। ये माइक का तार मतलब केबल बहुत ही बड़ा है, 20 फीट का केबल है, यानी समझ सकते हो बहुत लंबा। तो ऐसे उसको मतलब जुगाड़ करके लगा दिया है ऐसे ब्लैक ट्यूब से। तो साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम लोग परचेस करना चाहते हो, मैं माइक एडाप्टर एंड ये माइक का दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से जाके खरीद लेना अगर किसी को चाहिए तो। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर किसी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगा या बुरा लगा कुछ भी, लेकिन कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी करना, लाइक हो या डिसलाइक आप लोगों की मर्ज़ी, और शेयर भी करना, थैंक यू। सो मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दिया हुआ है, तुम लोग जाके फॉलो कर सकते हो। सो गाइस मेरा व्लॉग यहीं तक था। राइड सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। और हाँ, सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी होली। होली अच्छे से खेलना और अच्छे से मनाना। और एक ज़रूरी बात, रास्ते में जो भी डॉग, काउ या गोट, कैट कुछ भी दिखे तो उन लोगों के ऊपर रंग मत फेंकना, क्योंकि वो लोग अपना रंग शरीर में जो उनका शरीर में जो रंग गिरेगा तो वो लोग तो खुद धो नहीं सकते,
और हम लोग तो अपना रंग खुद धो सकते हैं, और उनको बहुत जलन भी होता है उनके शरीर में अगर वो रंग पड़ता है तो, और हम लोगों तो बस अपना रंग लगा तो धो लिया बस हो गया। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के ऊपर रंग मत फेंकना और अच्छे से होली खेलना। अगर होली में बाइक लेके भी निकलते हो तो प्लीज़ अच्छे से राइड करना, बस यही यही मेरा रिक्वेस्ट है, अच्छे से होली खेलो।